गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। सो पार्लियामेंट जो है ये एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है ये एक? नाउ इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी पार्लियामेंट है ये बनाती है लॉस। ठीक है, इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये क्या बनाएंगे, लॉस बनाएंगे। एंड आपका बेसिकली पार्लियामेंट जो होता है ये एक असेंबली होती है। किसकी? रिप्रेजेंटेटिव्स की। किनकी? रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली होती है जो बनाते हैं आपके लॉस। क्या बनाते हैं? राइट, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। नाउ बच्चे, पार्लियामेंट जो होता है ये आपका सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, प्लस ये आपकी एक असेंबली होती है। किसकी? रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो लॉस बनाते हैं। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं लॉस को, यानी कि बना सकते हैं किनको, लॉस को, ऐड कर सकते हैं नए लॉस को, प्लस जो एग्जिस्टिंग लॉस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट में लॉस हैं उनमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं या उनको एबॉलिश करना है, तो वो भी काम किसका होता है? आपके पार्लियामेंट का। नाउ इंडिया में जो इंडियन पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से बना हुआ है। पहली दो चीजें आपके दो हाउसेस, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपका इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। नाउ जैसे कि आप सब जानते हो कि प्रेसिडेंट कौन होता है? वेरी गुड, हेड ऑफ द स्टेट, राइट। एंड हेड ऑफ द नेशन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड प्लस ये फर्स्ट सिटीजन होता है आपका इंडिया में। ठीक है, एंड आपके दो हाउसेस कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के? वेरी गुड, लोकसभा एंड राज्यसभा। बच्चे लोकसभा जो है उसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। कौन सा हाउस? ऑल्सो इसे एक और नाम दिया गया है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। क्या कहा जाता है? एंड आपका राज्यसभा, इसे कहा जाता है अपर हाउस। वेरी गुड, एंड इसे कहा जाता है, एक और नाम दिया गया है इसे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट। बच्चे लोकसभा में करंटली जो प्रेजेंट सीट्स फिल्ड हैं दैट इज 543। कितनी सीट्स? 540 टोटल होती है, 545, लेकिन करंटली जितनी फिल्ड हैं वो कितनी है? 543। एंड राज्यसभा की इज 250। कितनी? ठीक है बच्चे, आपका जो इंडियन पार्लियामेंट है अगर उसमें प्रेसिडेंट नहीं है, अगर उसमें दो हाउसेस नहीं है, तो इट मींस वो क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का होना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी लॉज कौन बनाएंगे, पार्लियामेंट, जितने भी लॉज बनाएंगे, चाहे उसमें चेंजेस करने हैं, चाहे उनको इनैक्ट करना है, चाहे उसको एबॉलिश करना है, किसका कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, किसकी हाँ इंपॉर्टेंट होती है या किसकी ना इंपॉर्टेंट होती है? प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो आपके वो शख्स हैं जो पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनेगा या कोई भी लॉ एबॉलिश होगा उसमें अपना कंसेंट देते हैं, यानी कि अगर उसको लागू करना है, अगर उस लॉ को एक्ट बनाना है, तो आपका किसका साइन लगता है? प्रेसिडेंट का। क्लियर? नाउ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? क्या जरूरत है संसद की, क्या जरूरत है पार्लियामेंट की? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपका पार्लियामेंट नहीं होगा तो लॉस कहाँ पे बनेंगे, है ना? लॉस कहाँ पे बनेंगे? आपका जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, लॉस बना रहे हैं। तो अगर लॉस ही नहीं बनेंगे तो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे वो ऑल ओवर द नेशन? ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। नाउ हम सारे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ठीक है,
डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर नेशन की बात की जाए तो इट बिकम अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि हर एक इंसान का क्या लिया जाए, व्यू पॉइंट लिया जाए, ओपिनियन लिया जाए। हर इंसान जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है खुद को, है ना, नहीं कर सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट जो है ये एक असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो आपने चुने हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और वो आपके बिहाफ पे क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, लॉस बनाएंगे। सो इसीलिए आपका पार्लियामेंट क्या करता है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप किस चीज को फेवर करते हो और किस चीज के अगेंस्ट हो, वो कहाँ पे डिस्कशन होती है आपकी, पार्लियामेंट की। इन अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट दैट द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द विल। विल क्या, कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है बेसिकली, ठीक है, वो किस चीज के फेवर में है और किस चीज के अगेंस्ट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होती है आपके, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अ फोरम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरम, इट्स नथिंग बेसिकली अ मीडियम वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कैन वॉइस देयर ओपिनियन, कंसर्न्स एंड नीड्स। तो आपका पार्लियामेंट में ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, आपके कंसर्न्स, आप किस चीज के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है आपका, आपकी क्या नीड्स है, क्या डिमांड्स है, वो कहां पर शेयर होती है, पार्लियामेंट में। क्लियर। चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्कूल में है। नाउ द हेड ऑफ द स्कूल इज प्रिंसिपल सर, राइट, द हेड ऑफ द स्कूल इज प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर इज कीपिंग अ चेक ऑन अस टीचर्स के ऊपर और एक स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट। वी बीइंग एज टीचर्स आर कीपिंग अ चेक ऑन स्टूडेंट्स। और आप किसी पे चेक रख रहे हो, आप भी रख रहे हो, कैसे, आप ये इस तरीके से आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, आप इस तरीके से हम टीचर्स पे एक चेक रख रहे हो कि अगर टीचर पढ़ाता है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ाता है तो वी हैव टू कंप्लेन इट टू द प्रिंसिपल सर। सो यू पीपल आर ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन अस, आप लोग भी हम पे नजर रख रहे हो कि हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, हमने कुछ गलत पढ़ाया है या सही पढ़ाया, आप भी हम पे क्या कर रखे हो, चेक कर रहे हो हम पे, राइट। मैंने आपको तीन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, राइट। बच्चे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड पहला कौन सा आ गया आपका, लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी एंड देन, ये तीन ऑर्गन्स हैं आपके, राइट। एंड ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये आपके सेम लेवल पे प्लेस किए गए हैं, यानी कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे भी नजर रखता है और एग्जीक्यूटिव पे भी नजर रखता है। सेम एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी पर भी नजर रखता है और लेजिस्लेचर पे भी नजर रखता है। नाउ आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। सुप्रीम यानी कि ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा पावर है। तो आपकी पार्लियामेंट जो होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होते हैं लॉज जो है, वो क्या बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो आपका इंश्योर करता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उस वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं वो मिसयूज ना करे अपनी पावर को। पार्लियामेंट इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट हैव अनचेक्ड पावर। अनचेक्ड पावर यानी कि मिसयूज ना कर ले कहीं अपनी पावर का, कहीं जो है वो कोई ऐसा लॉ जो है इम्प्लीमेंट ना करे जो सोसाइटी के लिए, जो नेशन के लिए ऑल ओवर क्या है, गलत है, ठीक है।
बाय आस्किंग क्वेश्चंस, डिबेटिंग पॉलिसीज, वोटिंग ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, पार्लियामेंट कीप्स द गवर्नमेंट इन चेक. नाउ पार्लियामेंट कैसे चेक करता है, बैलेंस करता है एग्जीक्यूटिव के पावर को? वो उनसे डिबेट करवाता है, ठीक है, वो उनसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, वो वोटिंग का सिस्टम जो है, वोटिंग मेथड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है. इससे क्या होगा, इससे जो है पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है, ठीक है, एंड एक तरीके से आपकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या रहेगा, चेक रहेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा, एंड ऑल्सो आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अकाउंटेबल होता है. यानी कि क्या मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर पार्लियामेंट के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है तो एग्जीक्यूटिव हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है. एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं हमें नहीं पता, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसे उसका आंसर देना ही देना है. क्लियर. थर्ड वन, लॉ मेकिंग. सो पार्लियामेंट जो है हमारा क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है. अ कंट्री नीड्स लॉज टू फंक्शन स्मूथली. नाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लॉस हो, हमारे रूल्स हो एंड हमारे रेगुलेशंस हो. क्यों? क्योंकि वी हैव टू अबाइड देम, वरना हम जो हो जाएंगे कुछ ज्यादा ही क्या हो जाएंगे, फ्रीडम में चले जाएंगे. तो हमारे ऊपर क्या रहना चाहिए, एक कंट्रोल रहना चाहिए. एंड फॉर दैट हमारे हमारी कंट्री में क्या है, लॉस है, ठीक है, लॉस बने हुए हैं जिन्हें हमें अबाइड करना है ताकि हमारा जो नेशन है वो स्मूथली वर्क कर सके. एंड ये लॉस कौन बनाता है आपका, पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट इज द बॉडी दैट मेक दिस लॉस बेस्ड ऑन द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. नाउ लॉस जो है, सेंस हम लोगों ने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स किसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, हम लोगों के लिए. वो किसकी डिमांड्स को पहले रखेंगे, हम लोगों की डिमांड्स को. वो किसकी नीड्स को कंसल्ट करेंगे पार्लियामेंट में, हमारी नीड्स को. तो जितने भी लॉस बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं, हमारी नीड्स के ऊपर और हमारे वेलफेयर के ऊपर. क्लियर. अकाउंटेबिलिटी. सो चेक्स एंड बैलेंसेस में मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी समझाया कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, कि वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. एक तरीके से उनको क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है. स्पष्टीकरण यानी कि आपको अपनी बातों को स्पष्ट करना होता है. आपको अपनी बातों को आगे, जब आप कोई चीज रख रहे हो, कोई बात रख रहे हो, तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है. द गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस एंड पॉलिसीज. नाउ द गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल है, बेसिकली आपके पार्लियामेंट का. वॉट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग, चाहे वो फाइनेंशियली टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, कोई पॉलिसी उन्होंने निकाली है, कोई एक्शन जो है उन्होंने लिया है, कुछ भी, वो उसको उनको किनको जवाब देना पड़ेगा, उसका पार्लियामेंट को. आपने पढ़ा था कि जितना भी अगर उनको गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने में, या फाइनेंशियली उन्होंने कितना रेवेन्यू, कितना ज्यादा फाइनेंस जो है खर्च किया है, वो सारा का सारा किसको बताते हैं, पार्लियामेंट को. तो एक तरीके से आपका जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प्स प्रिवेंट करप्शन एंड मिस यूज ऑफ पावर. जब जो गवर्नमेंट है वो स्पष्टीकरण करेगा हर एक चीज की, किसको, पार्लियामेंट को, तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और कोई भी ऑर्गन या कोई भी लेवल जो है गवर्नमेंट का वो मिस यूज नहीं कर पाएगा अपनी पावर का. एंड इससे जो है करप्शन भी खत्म होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वी हैव सुप्रीम अथॉरिटी हमारे ऊपर, जो हमें क्या करेगी, सवाल पूछेगी एंड हमें उसका जस्टिफिकेशन उन्हें देना है. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशंस. पार्लियामेंट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म वेयर मेजर इश्यूज, पॉलिसीज एंड लॉज आर डिस्कस्ड ओपनली. नाउ देयर आर मेनी पीपल, जैसे लोकसभा के मेंबर्स हो गए, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए. अब एक ओपन डिस्कशन चलता है किनके बीच में, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, ठीक है. कोई भी सोशल इशू है या कोई भी लॉ बनाना है
या कोई पॉलिसी है तो लोग जो है वो फ्री है, लोगों के पास ये राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आगे रख सके, अपनी बातों को आगे रख सके। एंड इससे क्या होगा, ओपनली डिस्कशन होगी, ठीक है। ओपनली डिस्कशन जब होगी तो पार्लियामेंट में उसके प्रॉन्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और उसके एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि लॉस के कोई भी लॉ है, कोई भी पॉलिसी है, उसके आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता चलेगा, एडवांटेजेस के बारे में भी पता चलेगा। एंड जब आपको दोनों चीजें पता चलेंगी तो इससे क्या होगा कि लोग जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, बेटर चॉइस ले सकते हैं कि हमें इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, या इसके कोई ड्रॉबैक तो नहीं होगा, या लोगों के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, या लोग जो है इसको कैसे रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक कंसेंसस एंड इंश्योरिंग दैट डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, सिंस वी लिव इन अ डाइवर्स कंट्री, है ना। यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर डाइवर्स हम हर जगह क्या है, डाइवर्सिटी है। हर लोगों का अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने व्यू पॉइंट है, अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। कुछ लोग जो है एक पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकते हैं एंड कुछ लोग जो है उस पॉलिसी के फेवर में हो सकते हैं। कुछ लोग किसी लॉ को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो बच्चे, पार्लियामेंट में जब ओपन डिस्कशन होता है तो ये सारी चीजें जो है वो कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। लोग जो है विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी फियर वो क्या करते हैं, अपनी बातों को आगे रखते हैं और हर एक का व्यू पॉइंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कुछ बोला, पार्लियामेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक की बात सुनी और बाकी व्यू पॉइंट्स को क्या किया, नेगलेक्ट किया। ऐसा नहीं होता है, हर एक का व्यू पॉइंट जो है वो सुना जाता है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, एंड देन वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें ये लॉ को या इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।